मैं नित्या बास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे हम सभी को पता है कोरोना वायरस आ गया, इसकी वजह से हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, और हमने फ्रेंड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। हमें कोरोना वायरस को हराना है, इसके लिए हमें मास्क पहनना है, हेल्दी फ्रूट खाना है, ग्रीन वेजिटेबल जैसे फ्रूट हो गए, हमें सैनिटाइजर लेना है। और जैसे हमें पता है सर्दी आ गई है, हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, हमें हॉट वाटर पीना है। अब मैं आपको बताती हूँ मास्क कैसे पहनना है। हमें ऐसे मास्क नहीं पहनना, ऐसे भी नहीं पहनना, हमें ऐसे पहनना। गुड, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। हेलो डियर बेबीज, हाउ आर यू ऑल? यू मस्ट बी फिट एंड फाइन। ओके बेटा, आजकल हम भला क्या कर रहे हैं? हम अपनी नोटबुक में लिखना सीख रहे हैं। हमने सारे व्यंजन लिखने सीख लिए, लेकिन हमने उसको टू पार्ट्स में लिखना सीखा। आज हम सारे व्यंजन इकट्ठे लिखेंगे, आइए उसको लिखना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे अपना काम नहीं भेज रहे हैं। बेटे, फिर मैम को कैसे पता चलेगा कि आपको ठीक से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप वीडियो ध्यान से देखेंगे और सब बेबीज अपने अपने मैम को काम भेजेंगे। चलिए अब हम लिखते हैं। आइए आज हम क से ह इकट्ठा लिखना सीखेंगे। देखिए, मैम ने यहाँ मार्जिन वाली लाइन के साथ कुछ नहीं लिखा है, आप भी नहीं लिखेंगे। मम्मा पापा को बोलना है जो हेडिंग देंगे क से ह लिखने का, उसको यहाँ देना है मार्जिन लाइन छोड़ के। फिर एक एक लाइन छोड़ के यहाँ 7 लाइन्स लगानी है, क्योंकि इसी लाइन के सामने हमने लिखना है। जिस दिन ये काम करेंगे उस दिन की डेट आप यहाँ लिखेंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क, क कमल, ख खत, ग गमला, घ घर, घ को नीचे टच नहीं करेंगे, ण खाली, इसके पीछे यहां एक डॉट लगती है, ऐसे छोटी सी डॉट लगानी है बस। अगली लाइन च चम्मच, छ छाता, ज जहाज, झ झंडा, य खाली। नेक्स्ट ट टमाटर, सीक्वेंस सारी याद करेंगे साथ साथ। ठ ठेला, ड डमरू, ढ ढक्कन, अण खाली। त तरबूज, थ थैला, द दरवाजा, ध धनुष, न नल, प पतंग, फ फल, ब बत्तख, भ भालू, म मछली। आप देख रहे हैं किस किस अक्षर के ऊपर पूरी लाइन नहीं लग रही है, सिर्फ डंडे पे लाइन, ठीक है?
नेक्स्ट य यज्ञ, र रथ, ल लड्डू, व वक। इस लाइन में हम चार ही अक्षर लिखेंगे और लास्ट लाइन में भी चार। श शेर, श षटकोण, स सब्जी, ह हाथी। ऐसे सुंदर सुंदर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। 5 to 6 टाइम्स इसको लिखेंगे आप, मतलब 5-6 पेजेस पे के ऊपर। और ये ध्यान रखेंगे किस किस के सर पे पूरी लाइन नहीं लगी है। थ पे, ध पे, भ पे, सिर्फ डंडे पे लाइन। ओके, और सीक्वेंस बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। नाउ टेक आउट योर मेरा प्रथम शब्द ज्ञान। ओपन दिस बुक एट पेज नंबर 21। इस पेज को हमने पहले भी पढ़ा था। जरा देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। दो वर्णों के बिना मात्रा वाले शब्द पढ़िए। इसमें सिर्फ पढ़ने को लिखा है, जोड़ने को नहीं लिखा है, क्योंकि उनको ऑलरेडी जोड़ के लिखा हुआ है। मैम ने पढ़ना सिखाया था कि इनको कैसे पढ़ा जाता है। हमने 1, 2, 3, 4 नंबर लाइन तक पढ़ लिया था यहां तक। आज हम इसकी 5th लाइन पढ़ेंगे, 5 नंबर लाइन। जिस दिन आप इसको पढ़ेंगे, इस जगह पे आप डेट लिख देंगे उस दिन की। ओके, फिर आप अपनी पेंसिल या अपनी पॉइंटर फिंगर रख के पढ़ेंगे। मैम ने सिखाया था हमें कहाँ रखनी है फिंगर, इस शब्द के नीचे जिसको हम पढ़ते हैं। नहीं तो आप कोई पेंसिल या कोई स्टिक ले सकते हैं, पेंसिल उल्टी साइड से रख सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। अब जोड़ जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे। चलिए अब मेरे साथ शुरू हो जाइए। नर, टब, रख, चक, चर, सट। नेक्स्ट लाइन, खर, सच, भर, थन, जन, रट। नेक्स्ट 7 नंबर लाइन, पट, तट, चढ़, बढ़, पढ़, डर। लास्ट लाइन नंबर 8, यश, गढ़, हट, हल, छत, खत। इस तरह से आप इस पेज को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और अक्षरों की पहचान बेटा बहुत अच्छे से करेंगे, तभी हमें पढ़ना भी आएगा और लिखना भी आएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।